नौकरी सूचना के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को प्रेस करें, बिल्कुल मुफ्त है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। आज का जो फैसला है केंद्रीय कर्मचारियों के हक में आया है। ये बड़ा फैसला MACP को लेके है, वो लेकर है। MP जोसेफ ने एक केस लड़ा था बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसका फैसला आ गया है। देखिए एक ऐसा ही हाई कोर्ट का जजमेंट है, ये मेरे वीडियो में आप उनका जजमेंट देख सकते हो और मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको पूरी डिटेल की जानकारी मिलेगी। और मेरा वीडियो जो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब इस वीडियो में देख पा रहे हैं, 2013 कोटेशन नंबर 1763 MP जोसेफ द्वारा हाई कोर्ट बॉम्बे में एक केस लड़ा गया था, उसकी जजमेंट कॉपी है जिसमें लाखों केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन भोगियों और सैन्य कर्मियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जाने क्या हो गया है हमारे अधिकारियों को जो कि फैसला लेने के काबिल नहीं है। हमारे कर्मचारियों को न्यायालयों की शरण लेनी पड़ रही। दोस्तों हमारे जवानों को फटीक और काम से फुर्सत नहीं मिल रही है। जिनको अपनी फुर्सत मिले तो अपने वेलफेयर के बारे में सोचें। दोस्तों जो आज की जजमेंट है ये 15 अक्टूबर 2018 को श्री एमपी जोसेफ के हक में सुनाया गया है। ये जो फैसला था MACP के बारे में था। दोस्तों एमपी जोसेफ का कहना था, जब पे कमीशन 2006 1 जनवरी 2006 से लागू हो गया था, पे और पेंशन 1 जनवरी 2006 से लागू मिलने लगा था, लेकिन अलाउंसेस 1 सितंबर 2008 से लागू किए गए महंगाई को छोड़ के। दोस्तों एमपी जोसेफ का कहना था कि जब पे और पेंशन 1 जनवरी 2006 से लागू हो गए तो फिर MACP कैसे 2008 से लागू हो सकता है, जबकि MACP पे का ही तो एक हिस्सा है। MP जोसेफ की इस दलील को उसके अधिकारियों ने नकार दिया और कैट ने भी इसको नकार दिया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस दलीलें सुन के और स्टडी करके मिस्टर जोसेफ के हक में फैसला सुना दिया है और अपने फैसले में कहा गया है कि 3 महीने के अंदर MSP का बेनिफिट सब केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाए। अगर वो ऐसा नहीं करते, अभी अगर वो देने में देरी करते हैं तो 6% इंटरेस्ट के साथ उनको देना पड़ेगा। जिस कर्मचारियों को MSP
1 जनवरी 2006 की बजे सितंबर 2008 को मिला है। वो कर्मचारी 1 जनवरी 2006 से लेने के हकदार हैं। ठीक है, आज बहुत बड़ी खबर है, बहुत खुशी की बात है। जिन कर्मचारियों को एमएसीपी का लाभ नहीं मिला था वो लेने के हकदार हैं। दोस्तों, आज का वीडियो जो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।